मोदी जी से ही सीखा है कि आप काम भले ही मत करो लेकिन आप अपनी इमेज को बनाए रखो, मुसलमानों को विलियन बनाओ, मुसलमानों को हिंदुओं का दुश्मन दिखाओ, देश का गद्दार दिखाओ, उनको हिंदू धर्म मजहब के खिलाफ उनको एक खतरा बना के पेश करो। मजहब को मानना, मजहब को ना मानना, मजहब का प्रचार करना, ये जो है वो फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं उसके अंदर में है। और फंडामेंटल राइट्स को कोई भी सरकार इमरजेंसी के दौरान भी उसको खत्म नहीं कर सकती है। मेरा मन है तो मैं किसी मजहब को मानूं, मेरा मन नहीं है तो नहीं मानूं, मेरा मन है तो किसी मजहब को बदल लूं। हिंदुओं को पकड़ पकड़ करके उनको झांसे में डाल के या उनको बाला फुसला के और गैर अवैध तरीके से उनका धर्मांतर करते हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। मुसलमान कन्वर्ट करते हैं ये तो बात बिल्कुल गलत है। मैं अपने जाती ताल्लुकात से बताता हूँ कि जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए मैं पटना गया तो मैं एक ऐसे इलाके में रहता था जहाँ पे 90% आबादी मुसलमानों की थी। किसी ने ही कहा कि किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, किसी ने मुझे लालच नहीं दिया कि आप धर्म को कबूल कर लीजिए। कि अगर इस्लाम तलवार की जोर पे बढ़ता तो जो इलाके मुसलमानों के इक्तदार के जो मरकज थे उसके पास में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होती, यानी दिल्ली में, हरियाणा में या आपको वेस्टर्न यूपी में मुसलमानों की ज़्यादा तादाद होती। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि कन्वर्जन इज इमेंसिपेशन, यानी निजात का रास्ता है कन्वर्जन। उन्होंने कहा कि जो हिंदू समाज में जो इंसान जिसको पानी नहीं मिल सकता है, जिस इंसान को आप बैठ के बात नहीं कर सकते हैं, जिस इंसान के साथ आप शादी नहीं कर सकते हैं, जिस इंसान को आपने ज़मीन खरीदने से आपने रोक दिया, जिस इंसान को अपने असलाह और हथियार रखने से रोक दिया, जिस इंसान को अपने गाँव के कोने में रखा, जिस इंसान को आपने इंसान नहीं समझा, और वो इंसान अगर अपने सिविल राइट्स के लिए, अपने बंधुत्व के लिए, अपने भाईचारे के लिए अगर किसी मजहब में जाता है तो अंबेडकर की निगाह में वो बहुत ही अच्छा कदम है। पेरियार साहब ने भी यही कहा कि तुमको जहां जाना है तुम चले जाओ, लेकिन ये जिस मजहब में तुम फंसे हुए हो, जहां पे तुम्हारी इतनी दुर्गति है, बुरी हालत है, वहां से निकल जाओ। अभी सवाल ये होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की क्या हालत है, अभी सवाल होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का क्या सवाल है, अभी सवाल ये पूछना चाहिए कि नौजवानों को कितनी नौकरी मिली, सवाल ये होना चाहिए कि कितने विकास के काम हुए, ये सवाल पे कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ मुसलमान को तुम टारगेट करो, मुसलमान के खिलाफ तुम एक जहर बो दो, और मीडिया जो कि बिकी हुई है, जिसका सारा एडवर्टीजमेंट जो है वो सरकार के कॉफर से जाता है, और आप देख रहे हो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिन भर चल रहा होगा दंगा दंगा दंगा, मुसलमान ये, कलीम सिद्दीकी ओवैसी, यही सब चल रहा होगा। जिसको कन्वर्सन के नाम पे फंसाया जा रहा है उनके साथ एकजहती, उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है, और उनके साथ हमें पूरी तरह से डट के कहना है कि वो कन्वर्सन नहीं किए हैं। कौन व्यक्ति, कौन इंसान ज़बरदस्ती धर्म को माना और किसने ज़बरदस्ती धर्म को मनवाया, उसके लिए कोई टेस्ट है क्या? उनके पास कोई मतलब टेस्ट है? कोई कुछ लैब में ले जाते हैं ब्लड को चेक करने के लिए? लेकिन वहीं पे अगर कोई मुसलमान हिंदू हो जाता है तो इसे लॉ एंड ऑर्डर, इसको टेररिज्म, इसको एंटी नेशनल, इसको खालिस्तान, इसको पाकिस्तान से जोड़ के देखा जाता है। नमस्कार, मैं जसीम उल हक, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी इस समय हमारे साथ एक खास मेहमान है, खास कई वजहों से है, कई जबानों के जानकार हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से दो दो सब्जेक्ट से इन्होंने मास्टर्स किया है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से एमफिल और पीएचडी किए इन्होंने, और उससे ख़ास बात यह है कि आईएमसी के मेरे सीनियर भी हैं, खुद जर्नलिस्ट भी हैं, डॉक्टर अभय कुमार। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका नेशनल दस्तक पे। डॉक्टर अभय कुमार, इनका काम भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे रहा है, चूँकि इन दिनों कल की खबर बहुत बड़ी खबर है कि उससे पहले अगर मैं हफ्ता दस दिन या फिर पूरे महीने की बात करूं तो एक सिलसिलेवार तरीके से जिस तरह से हिंदुस्तान में अभी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो मॉब लिंचिंग हो रही है, उसकी एक लंबी फहरिस्त है। कल यूपी से मुसलमानों का एक बड़ा नाम, बड़ा लीडर कलीम सिद्दीकी साहब को उठा लिया जाता है और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो अवैध तरीके से धर्मांतरण कर रहे हैं। इस पूरे मामले को जानते हैं कि आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है। डॉक्टर साहब, इस कलीम सिद्दीकी साहब के पूरे मामले को आप जाने, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, यूपी का इलेक्शन आ रहा है और दो फ्रंट पे सरकार काम कर रही है, जो यूपी की सरकार है,
एक तो खजाना उन्होंने खोल दिया है अखबार वाले को, मीडिया वाले को, कि एक एडवर्टीजमेंट दिखाएं सरकार के फेवर में। और कितनी अफसोस और शर्म की बात है कि दिल्ली का एक बहुत ही पुराना नामचीन अंग्रेज़ी का जो अखबार है, उसने जब एक पेज का फ्रंट पेज पे जो बीजेपी की जो सरकार उत्तर प्रदेश की है उसकी हसुलियाबी दिखाने वक्त में उन्होंने क्या किया कि फ्लाई ओवर पुल जो है वो कलकत्ता और बंगाल के पुल को उसमें उन्होंने शामिल कर दिया। तो एक तो क्या कर रही है सरकार कि आवाम को पैसा नहीं, कुछ उनके लिए फलाह और बहबूद के लिए कुछ काम नहीं करती है सरकार, और दूसरा क्या है कि एक एडवर्टीजमेंट के ज़रिए, जैसा कि वाजपेयी जी के ज़माने में हुआ था दरक्षा भारत, बिल्कुल शाइनिंग इंडिया, उस तरह की चीज़ें भी कर रहे हैं। इनको लग रहा है यही ये मॉडल जो है वो उन्होंने मोदी जी से ही सीखा है कि आप काम मत करो लेकिन अखबार वाले को, मीडिया वाले लोगों को तुम पैसा खिलाओ। देखिए ये मॉडल जो है उन्होंने मोदी जी से ही सीखा है कि आप काम भले ही मत करो लेकिन आप अपनी इमेज को बनाए रखो। तो एक काम तो वहाँ पे चल रहा है। दूसरा उनके लिए जो मास्टर स्ट्रोक है वो है कि मुसलमानों को विलियन बनाओ, मुसलमानों को हिंदुओं का दुश्मन दिखाओ, देश का गद्दार दिखाओ, उनको हिंदू धर्म मजहब के खिलाफ उनको एक ख़तरा बना के पेश करो। अब एक मौलाना साहब को जैसे कि खबर आ रही है कि मेरठ में उनके खिलाफ इस तरह का एक हंगामा चल रहा है कि उन्होंने हिंदुओं का धर्मांतरण किया, उनको कन्वर्ट किया। मुझे सुन के अफसोस भी होता है और दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि कन्वर्जन जो है उसके ऊपर में लोगों की कितनी कम समझ है और मीडिया वाले भी सही सवाल को क्यों नहीं उठाते हैं। देखिए अगर भारत में, अगर भारत को एक डेमोक्रेसी होना है तो भारत को एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, और भारत का सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन अगर होगा तो उसमें मजहब को मानना, मजहब को ना मानना, मजहब का प्रचार करना, ये जो है वो फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं उसके अंदर में है। और फंडामेंटल राइट्स को कोई भी सरकार इमरजेंसी के दौरान भी उसको ख़त्म नहीं कर सकती है। तो मेरा मन है तो मैं किसी मजहब को मानूं, मेरा मन नहीं है तो नहीं मानूं, मेरा मन है तो किसी मजहब को बदल लूं। ये जो है हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं ये लोगों के पर्सनल मैटर हैं, ये कोई पब्लिक मैटर नहीं है। तो पर्सनल मैटर में स्टेट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा नहीं करता है कि आपको किस मजहब के साथ जाना है या नहीं मानना है। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमान से हिंदू होते हैं, हिंदू से मुसलमान होते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ मुसलमान ही हिंदुओं को पकड़ पकड़ करके उनको झांसे में डाल के या उनको बहला फुसला के और गैर अवैध तरीके से उनका धर्मांतर करते हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है क्योंकि सरकार नाकाम रही है। अब ये देखिए कि अगर मुसलमान लोग अगर कन्वर्ट करते हैं तो आप देखिए कि जो हिंदुत्व के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो दलितों के बीच में काम करते हैं, जो आदिवासियों के बीच में काम करते हैं, जो और लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, और वो लोग जिस तरह से वो लोग धर्मांतरण करने के लिए पूरा पैसा बहा रहे हैं, आप देखेंगे कि जो बॉर्डर के एरिया हैं वहाँ पर भी वो काफ़ी सक्रिय लोग हैं, उसके ऊपर तो कोई सवाल नहीं कर रहा है। और रही बात कि मुसलमान कन्वर्ट करते हैं, ये तो बात बिल्कुल गलत है। मैं अपने जाती ताल्लुकात से बताता हूँ कि जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए मैं पटना गया तो मैं एक ऐसे इलाके में रहता था जहाँ पे 90% आबादी मुसलमानों की थी। मैं एक उर्दू अखबार के दफ्तर में रहता था। मैं 4 साल अपनी नौउम्री के दौर में मैंने वहाँ गुजारी। किसी ने मुझसे नहीं कहा कि आप कन्वर्ट हो जाइए, और किसी ने ही कहा कि, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, किसी ने मुझे लालच नहीं दिया कि आप धर्म को कबूल कर लीजिए। तो ये पूरा का पूरा जो है इनका पुराना प्रोपेगेंडा है। देखिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस्लाम जो है वो भारत में ज़ोर ज़बरदस्ती तलवार की बुनियाद पे फैला, इससे लिंक हो जाता है जो हिंदुत्व का पूरा जो एक प्रोपेगेंडा, एक जो इल्ज़ाम है। लेकिन बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने इस बात को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, तर्क कर दिया है कि इस्लाम जो है वो हिंदुस्तान में कभी भी तलवार के जोर पे नहीं फैला। अब मिसाल के तौर पर एक रिचर्ड ईटन करके बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, उन्होंने कहा कि अगर इस्लाम तलवार की जोर पे बढ़ता तो जो इलाके मुसलमानों के इक्तदार के जो मरकज़ थे उसके पास में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होती, यानी दिल्ली में, हरियाणा में, या आपको वेस्टर्न यूपी में मुसलमानों की ज़्यादा तादाद होती। लेकिन हुआ क्या कि मुसलमानों की बड़ी तादाद कहाँ है, बंगाल में है। तो बंगाल में तो उस तरह से दिल्ली सल्तनत के टाइम में जिस तरह से यहाँ पे मुस्लिम हुक्मरान भारत में आ गए हैं उस तरह की चीज़ तो बंगाल में नहीं थी। तो वही ये कह रहे हैं, रिचर्ड ईटन कह रहे हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती से इस्लाम नहीं फैला है,
इसके पीछे एक इकोलॉजिकल रीजन है, उसके पीछे एक इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं, सूफी संतों से जुड़ा हुआ चीज़ है, जिस पर हम किसी और दिन बहस करेंगे। और मुसलमान भी कोई एक दिन में नहीं बदला है, 400 साल 500 सालों में लोगों की आइडेंटिटी बदलती है। जैसे रिचर्ड इडट ने काम करके दिखाया है कि पहले लोगों के नाम कुछ और होते थे, बाद में नाम धीरे धीरे बदला, तो कोई एक दिन में मजहब नहीं बदलता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी 6 दिसंबर 1948 में भी इसके ऊपर बहस हुई, और इस बहस के दौरान में भी इस्माइल साहब जो थे, जो उस समय बोल रहे थे, उन्होंने भी कहा कि लोगों को धर्म को मानने का और न मानने का या उसको प्रचार करने का जो है उसको उनका पूरा का पूरा हुकूक मिलना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग का फंडामेंटल नेचर है। उन्होंने इसी बात पे कही। और के मुंशी साहब भी थे, बहुत बड़े वकील थे, हालांकि उनका झुकान जो हिंदू राइट पार्टी के साथ थी, उन्होंने भी इस बात को कबूल किया। जब खुद कुछ लोग इसकी मुखालफत कर रहे थे कि नहीं नहीं कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कन्वर्जन होना चाहिए और कन्वर्जन के जो हुकूक हैं वो उसमें शामिल होने चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात में मैं ख़त्म करूँगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि कन्वर्जन इज़ इमेंसिपेशन, यानी निजात का रास्ता है कन्वर्जन। क्यों निजात का रास्ता है? उन्होंने कहा कि अंबेडकर की निगाह में धर्म जो है वो धर्म कोई पूजा पाठ या तवहम परस्ती या कोई सुपरस्टिशन की जगह नहीं है, उनके लिए एक सोशल फीलिंग है, एक कलेक्टिव लिविंग है उसके लिए। उन्होंने कहा कि जो हिंदू समाज में जो इंसान जिसको पानी नहीं मिल सकता है, जिस इंसान को आप बैठ के बात नहीं कर सकते हैं, जिस इंसान के साथ आप शादी नहीं कर सकते हैं, जिस इंसान को आपने ज़मीन खरीदने से आपने रोक दिया, जिस इंसान को अपने असलाह और हथियार रखने से रोक दिया, जिस इंसान को अपने गाँव के कोने में रखा, जिस इंसान को आपने इंसान नहीं समझा, और वो इंसान अगर अपने सिविल राइट्स के लिए, अपने बंधुत्व के लिए, अपने भाईचारे के लिए अगर किसी मजहब में जाता है, तो अंबेडकर की निगाह में वो बहुत ही अच्छा कदम है। पेरियार साहब ने भी यही कहा कि तुमको जहाँ जाना है तुम चले जाओ, लेकिन ये जिस मजहब में तुम फंसे हुए हो, जहाँ पे तुम्हारी इतनी दुर्गति है, बुरी हालत है, वहाँ से निकल जाओ। अब रही बात, अगर कोई आदमी हिंदुइज्म में रहना चाहता है तो इससे ना आपको दिक्कत है ना मुझे दिक्कत है, कोई नहीं रहना चाहता है उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग धर्म को नहीं मानते हैं, वो हर धर्म में हैं, इस्लाम में भी हैं, मुस्लिम भी हैं, वो हिंदू भी हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं। तो इसलिए ये कन्वर्सन का जो इशू है, बस एक लाइन में मैं ये कहूँगा, ये नॉन इशू को इशू बनाना है। अभी सवाल ये होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की क्या हालत है, अभी सवाल होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का क्या सवाल है, अभी सवाल ये पूछना चाहिए कि नौजवानों को कितनी नौकरी मिली, सवाल ये होना चाहिए कि कितने विकास के काम हुए, सवाल इस पे होने चाहिए कि बीजेपी के अंदर में जो दलित और बहुजन का नारा दिया गया था, बहुत सारे उप प्रधानमंत्री बनाए, सॉरी मुख्यमंत्री बनाए, उनको क्या किया गया, उनको कठपुतली बना के रखा गया है, ये सवाल पे कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ मुसलमान को तुम टारगेट करो, मुसलमान के खिलाफ तुम एक जहर बो दो, और मीडिया जो कि बिकी हुई है, जिसका सारा एडवर्टीजमेंट जो है वो सरकार के कॉफर से जाता है। और अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान की मीडिया इतनी क्राइसिस में है कि वो रीडर से वो पैसे नहीं लेते हैं, रीडर बेस्ड उनका पत्रकारिता नहीं होती, उनकी पत्रकारिता नेता बेस्ड होती है, नेताओं को खुश करना है। वो वफादार भारत के आईन, भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र, भारत की आवाम के प्रति न होकर वो भारत के चंद एलिट्स लोगों के सामने होते हैं। और आप देख रहे होंगे मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिन भर चल रहा होगा दंगा दंगा दंगा, मुसलमान ये, कलीम सिद्दीकी ओवैसी, यही सब चल रहा होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो आप लोगों के चैनल को जो लोग देख रहे हैं वो ये इस पूरी एक डिबेट में ना पड़ें, और उनको सिर्फ यही कहना चाहिए कि रोजी रोजगार की बात करो, हमारे जात धर्म के नाम पे जो हमको फंसाया जाता है, हमको शोषण किया जाता है, उसके बारे में बात करो, और कलीम सिद्दीकी साहब हों चाहे कोई भी आदमी हो जिसको कन्वर्सन के नाम पे फंसाया जा रहा है, उनके साथ एक जहती, उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है, और उनके साथ हमें पूरी तरह से डट के कहना है कि वो कन्वर्सन नहीं किए हैं, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ किया जा रहा है, और इसकी हम पुरजोर मुखालफत करते हैं, और सरकार नाकाम रही है। मुसलमान इस देश में कभी भी जोर जबरदस्ती से किसी का कन्वर्ट नहीं किया है, ये बिल्कुल गलत बात है। डॉक्टर साहब, ये जिस आर्टिकल 25 का आप हवाला दे रहे हैं, जिसके बारे में सारे लोग बता रहे हैं कि ये हमारे पास आज़ादी है, माने या ना माने किसी भी मजहब को, लेकिन एडीजी जो यूपी के हैं उनका स्टेटमेंट ये नहीं कह रहा है कि उन्होंने जो अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है उनको इन्होंने एक्सेप्टेंस दिलाया है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते थे और इसकी तादाद भी उन्होंने गिनाई है। एक बात पूछिए, डीजी साहब हैं, डीजी साहब, एडीजी साहब हैं, एडीजी साहब से पूछिए कि
कौन व्यक्ति, कौन इंसान जबरदस्ती धर्म को माना और किसने जबरदस्ती धर्म को मनवाया, उसके लिए कोई टेस्ट है क्या? उनके पास कोई कोई मतलब टेस्ट है? कोई कुछ लैब में ले जाते हैं ब्लड को चेक करने के लिए? वो तो सरकार के हुक्म की तामील करने के लिए बैठे हुए हैं, और ऊपर से जब ऑर्डर आएगा कि भाई देखो यूपी का इलेक्शन आ रहा है, अपोजिशन पार्टी बड़े तीखे सवाल पूछ रहे हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि तुम 10-5 मुसलमानों को, बेगुनाह मुसलमानों को पकड़ लो और ये धारा लगा दो कि इन्होंने इसको कन्वर्ट किया, इसको इन्होंने उसको कन्वर्ट किया। मैं बता रहा हूँ कि हिंदी अखबार में कई सारी खबरें आती है, मेरे पास बहुत सारी कटिंग्स है जिसमें कहा जाता है कि ये फलां मुसलमान जो है वो हिंदू बन गया। इसको घर वापसी के नाम से बहुत ही गर्व और बहुत ही फख्र के साथ इस न्यूज़ को बढ़ाई जाती है, लेकिन वहीं पे अगर कोई मुसलमान हिंदू हो जाता है तो इसे लॉ एंड ऑर्डर, इसको टेररिज्म, इसको एंटी नेशनल, इसको खालिस्तान, इसको पाकिस्तान से जोड़ के देखा जाता है। तो ADG साहब आप बताइए कि अगर मैं कल कोई मजहब कबूल कर लेता हूँ तो आप कैसे मुझे, आप मेरे दिल के अंदर जाएंगे या कोई मेरा टेस्ट करेंगे आपको? तो ADG जो हैं वो बिल्कुल पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रहे हैं और वो वही जबान बोल रहे हैं जो सरकार बुलवाना चाहती है उनसे। जी डॉक्टर साहब, चूंकि आप JNU के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, सिर्फ मुखर होने होकर बोलने की वजह से आप वहाँ पे निर्दलीय मतलब इंडिपेंडेंट होने की वजह से भी तीसरा पोजीशन हासिल किया था। आप उस वक्त उमर खालिद के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था उस वक्त आप थे वहाँ, आपने देखा था कि ये मीडिया चैनल मतलब नोएडा बेस्ड जो मीडिया है वो किस तरह से उनके ऊपर बता रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल कितनी कॉल्स आई हैं, कितनी फंडिंग्स हो रही हैं, वो सारे इल्ज़ाम को दोहराया जा रहा है, मतलब कैप्शन और हेडिंग चेंज करके वही सारी अभी कलीम सिद्दीकी के ऊपर लगाया जा रहा है कि गल्फ से कितना पैसा आया, बहरीन से कितना आया, ओमान से कितना, इंटरनेशनल फंडिंग कितनी हुई, कितने सारे कॉल्स हुए, जबकि इनके जो घर में काम करने वाले जो इनके पास जो वॉचमैन है उनका कहना है कि आज तक कभी पाकिस्तान भी नहीं गए, जैसा कि उमर खालिद के केस में आपने देखा था, उसको लेकर क्या देखिए वो उस समय ये बात चली थी कि उनके कश्मीर से लिंक है, फिर ये बात चली कि वो पाकिस्तान गए और उनके वालिद साहब से, उनके पिताजी जो हैं उनसे मेरी कभी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि वो तो उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है। तो ये देखिए जिन लोगों ने खबर चलाई, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक एजेंडा था कि उनको उमर खालिद को डेमोनाइज किया जाए, उनकी बात तो समझ में आती है, लेकिन आप और हम अगर पत्रकार अपने आप को कहते हैं, हमने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, तो हम लोगों के बारे में एक बहुत ही बेसिक बात बताई जाती है कि जो चीज़ें आपको प्लेट पे बिल्कुल परोस के दे दी जाए वो एडवर्टीजमेंट है, वो प्रोपेगेंडा है। जिस चीज़ों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, धक्के खाने पड़ते हैं, 50 फाइल ढूंढनी पड़ती है, आपको सिक्योरिटी गार्ड आपको अंदर साहब से बात नहीं कराने देता है, वो पत्रकारिता है। तो ITC ने जो कुछ भी प्लेट पर परोसा उसको ला के दे दिया, मतलब नोएडा के जो चैनल लोग हैं उनको दे दिया और उन्होंने उसको दिखा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस क्लिपिंग को ली जाए और उन एडिटर से पूछा जाए जनता की अदालत में कि आपने ये खबर चलाई कि ये पाकिस्तान गए हुए हैं, कोई भी शख्स हो, चाहे उमर खालिद हो या कोई भी हो, कि उमर खालिद या कोई भी आदमी पाकिस्तान चला गया, आपने इसको कहीं से चेक करने की कोशिश की? आपने क्यों नहीं चेक करने की कोशिश की? कोई मुसलमान अगर गिरफ्तार हो जाता है और पुलिस जो कहती है आप उसी की बुनियाद पर जब खबर बनाते हैं और जब वो इंसान, जब वो मुलजिम 10-15 साल जेल में रहने के बाद जब छूटता है तो आप वहाँ से गायब हो जाते हैं, आप तो कोई खबर नहीं लगाते हैं, आप तो कोई ऐसी खबर नहीं लगाते हैं कि मैंने 10 साल पहले जो रिपोर्टिंग की और इसकी ज़िंदगी बर्बाद की वो बिल्कुल गलत थी। तो ये पत्रकारिता में जो लोग आए हुए हैं बिल्कुल, मैं क्या कहूँ, मतलब यहाँ पे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता है लेकिन गुस्सा भी दिल में आता है, वो पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, जिनके अंदर में थोड़ा बहुत भी एथिक्स नहीं है। और जो अच्छे पत्रकार हैं वो नोएडा के जो बड़े बड़े ऑफिस हैं, जो बिल्कुल आलिशान जो ऑफिस हैं, 5 सितारा जो उनका स्टूडियो है, वहाँ से उनको भगा दिया गया है। तो सबसे पहली बात जो पत्रकार की होती है वो होती है कि अगर कोई भी फैक्ट आपको मिलती है तो जब तक आप 4-5 जराए से अगर आप उसको ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं तब तक आपको वो खबर नहीं चलानी चाहिए, और हमेशा ये बात माननी चाहिए कि पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है। अभी तक पुलिस रिफॉर्म्स की बात कोई नहीं कर रहा है, ये भी बात प्रशांत भूषण जी जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले दिल्ली में प्रेस क्लब में कही थी कि उमर के मामले में ये बात फिर से साबित हो गई है कि पुलिस एक प्रेशर
पुलिस प्रशासन में काम करती है, एक कठपुतली की तरह काम करती है, और पुलिस का जो रोल होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर का और इन्वेस्टिगेशन का, इसको भी डिवाइड करने की ज़रूरत है, और पुलिस को एक स्वतंत्र कुछ ऑटोनोमस बॉडी टाइप की बनानी चाहिए, जो कि भारत के संविधान, भारत के पार्लियामेंट, भारत के आवाम के प्रति जिम्मेदार हो, न कि वो झंडे वालान के इशारों पे वो काम करे, लोगों को गिरफ्तार करे, जब मन करे तब गिरफ्तार करे, और जब मन करे तो उनको उनकी पिटाई कर दे और गोली चला दे। आज ही 10 आज की खबर है कि मतलब दिल्ली दंगे से जुड़े हुए 10 लोगों को कोर्ट ने रिलीज़ किया है, बरी किया है, ये बोलकर कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिसको लेकर नोएडा बेस्ड जो चैनल है दिन रात खबर देकर पहले ही उसने ठहरा दिया था कि ये गुनहगार है। देखिए, और आज एक खबर भी नहीं चलाई। उमर के ही मामले में लिख लीजिए, ये चीज़ आपके उमर के सवाल से भी जुड़ा हुआ, उमर खालिद के जमाने में शायद कोर्ट ने पूछा कि ये वीडियो क्लिप आपको कहां से मिले। बिल्कुल, तो कोई पत्रकार ने कहा कि ये कोई शायद पुलिस ने कहा कि आपको किसी न्यूज चैनल से मिले, न्यूज चैनल से पता चला किसी आईटी सेल से लगे, तो होता है ना कि पहले अंडा हुआ कि पहले मुर्गी आई, पहले उसी तरह से वो वीडियो पहले आईटी सेल ने बनाया कि पहले मीडिया ने बनाया कि पहले उसको पुलिस के पास पहुंची। तीन लोगों के बीच में जो ये नेक्सस है ना, अनहोली नेक्सस है, इसको मुझे चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल सवाल नहीं है, देखिए हम यहाँ पे बैठ के किसी एक खास पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जो भी भारत को बचाना चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हुए हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, जो बड़े सिविल सोसाइटी के लोग जो लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो पॉलिटिक्स में भी बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये एक नेता आएगा और एक नेता जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारत के कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, तो आप और हम पत्रकार भी हो कि सारों का नाम, सब लोगों का नाम हम याद नहीं कर पाएंगे। उसी तरह जो आज का जो प्रधानमंत्री है, उसके बाद भी 10 साल के बाद बच्चों से पूछा जाएगा कि भारत के कौन कौन से प्रधानमंत्री थे, तो उनको भी लोग याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन आज जो ये समझ रहे हैं कि हम सिकंदर आजम हो गए हैं, ये गलत है। ये हिंदुस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की जो है ना, उसके कॉस्ट पे वो अपना चेहरा चमका रहे हैं, जिसकी मुखालफत उनके पार्टी के लोगों को करना चाहिए और विरोधियों को तो जरूर ही करना चाहिए। डॉक्टर साहब, चूँकि आपका इस पे काम भी रहा है, इस वक्त अभी पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर जो मॉब लिंचिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। जी, मतलब बनिस्बत, और ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी स्टेट्स में चुनाव होता है तब मॉब लिंचिंग ज़्यादा होने लगती है। आपका इस पे काम है, चूँकि आप देखे हैं, समझे हैं, इस पे रिसर्च है आपका, जो मुसलमानों के हालात है इस वक्त, सॉल्यूशन क्या है, मतलब क्या रास्ता अपनाना चाहिए? देखिए, मॉब लिंचिंग जो है ना, उसके पीछे दो मकसद है जहाँ तक मैं देखता हूँ। एक तो मारो भी, और दूसरा सोशल मीडिया की वजह से, मतलब सोशल मीडिया के मतलब आप उनका वीडियो बना लिया या उसके कुछ फोटो वायरल्स करो, ताकि मुसलमानों के अंदर में मुसलसल यानी लगातार कंटिन्यूस खौफ बना रहे, एक टेररराइज करके उनको रखो, इस मकसद से है। क्योंकि मुझसे भी एक किसी पत्रकार ने पूछा, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, जो साबिका गवर्नमेंट थी उस ज़माने में भी बहुत कुछ हुआ। ठीक है, मैं साबिका गवर्नमेंट का कोई तर्जुमान नहीं हूँ कि मैं उनकी हर बातों को सही कह रहा हूँ, और हो सकता है कि आदादोशुमार में उनके मुकाबले में आज कम लोग मर रहे हैं, ये भी मैं मान सकता हूँ 2 मिनट के लिए, कि साबिका गवर्नमेंट में ज्यादा लोग मरे, आज हलाकत कम हुई, ये भी मैं मान सकता हूं, मेरे पास कोई डेटा नहीं है। लेकिन इस सरकार का सबसे जो खतरनाक पहलू है वो है लोगों को टेररराइज करके रखना, एक उनको एक एक फियर में रखना। रात को आप जब सपने में हो तब भी आपको लगे कि आपके घर पे कोई दस्तक देगा, कोई आपके फ्रिज को खोलेगा और गोश्त को लेगा और चिकन को कोई और जानवर का मीट बना के आपको लिंचिंग करेगा, और कल अखबार में मजलूम के साथ खड़े होने के बजाय पत्रकार ये कहेंगे कि वहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग थे, उनकी धार्मिक भावना को भड़काया गया और वो सारी चीज़ों को सही कही जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि कितने लोगों को पहले की सरकार ने मारा, कितने लोगों को इन्होंने मारा, कितने लोगों को इन्होंने जेल में डाला, इससे मेरा बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान, दलित, पिछड़े, इनको इन लोगों ने टेररराइज करके रखा हुआ है और इनको ये खौफ में मुब्तला करके रखे हैं, और नौजवानों के बीच में बेरोज़गारी की वजह से बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर में मायूसी है। और अभी जेएनयू के एक बच्चे ने सुसाइड करने की बात फेसबुक पर लिखी हुई थी, क्योंकि वो फीस नहीं जमा कर पा रहा है, इन्होंने स्कॉलरशिप बंद कर दी है, इन्होंने कॉलेजेस को ठप करके रखा है। लेकिन कुंभ का मेला होगा, इलेक्शंस की रैली होगी, और बाकी जो जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो काम होगा वो चलता रहेगा। जी, ये सारे जो भी आपने दलित बताया, मुसलमान बताया, जो जिनको मतलब टारगेट पे रखा हुआ, इसके पीछे की वजह क्या आप देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? देखिए, पीछे की वजह मैंने आपको बताया ना कि सरकार एक लोगों के सपने को बेचकर आई,
मतलब ये सिर्फ वोट हासिल करने के लिए है या और कोई दूसरी वजह? देखिए, ये सरकार एक सपने को बेच के आई कि यूपीए सरकार बिल्कुल नाकाम थी, मनमोहन साहब ने कुछ नहीं किया, हम लोगों को इंसाफ देंगे, कितना रुपया देंगे, कितना ये करेंगे, आंखों से आंसू पोंछेंगे, अच्छे दिन लाएंगे। लेकिन जैसा आप भी जानते हैं कि 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, तो भाई लोग अगर ये नहीं करेंगे, लोगों को ध्यान को नहीं डाइवर्ट करेंगे, लोगों को टेररिज नहीं करेंगे, ऑपरेस कम्युनिटीज के बीच में आइडेंटिटी को नहीं तोड़ेंगे, उनकी यूनिटी को नहीं तोड़ेंगे, तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे बीच में जो आपसी कुछ इख्तलाफात जो हैं उसको भूल के एक बड़े कॉज की बुनियाद पर जितने भी लेफ्ट के लोग हैं, या मान लीजिए जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग हैं, या जो सोशल जस्टिस के लोग हैं, या सेकुलर लोग हों, उनको एक साथ बैठना चाहिए। और कुर्सी की लड़ाई जो पहले लोगों ने जो मतलब सेकुलर लोगों ने लड़ी, उसको थोड़ा बहुत कुछ दिनों के लिए मुल्क बचाने के लिए उसको छोड़ देना चाहिए। और आप और हम जैसे लोग जो भी छोटा मोटा अपने चैनल और अपने लेखनी से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और लोगों को ही सामने आना पड़ेगा, कोई मसीहा आने वाला तो नहीं है अभी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ये हमारे साथ थे डॉक्टर अभय कुमार, जो JNU के स्कॉलर रहे हैं। ये सच है कि नोएडा बेस्ड जितने भी चैनल्स हैं उन्होंने यहाँ के लोकतांत्रिक माहौल को ख़राब करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है और स्टिल निभा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। दबाव इस बात का कि ऐसे लोग, डॉक्टर अभय कुमार जैसे लोग हैं, उनको ये अपने चैनल पे बैठा के अपने शो में नहीं बुला सकते, नहीं बैठा सकते हैं, वरना ये बुनियादी सवाल पूछेंगे गवर्नमेंट से, सत्ता से, जो इनका हक है, बुनियादी हक है, ये पूछते हैं। और उनकी जिम्मेदारी है सरकार की उसका जवाब दें, पर वो जवाब नहीं दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है रोज़गार के ऊपर, महंगाई के ऊपर, जिसका उन्होंने वादा किया था, उस वादे के साथ सत्ता में आए थे, वो फेल हैं पूरी तरफ से। कैमरामैन आशीष ठाकुर के साथ मैं जसीमुल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।